नगर निगम द्वारा आज पीतमपुरा के मौर्य एनक्लेव में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एरोबिक ड्रम कंपोस्ट प्लांट का उद्घाटन किया और मास्क, सैनिटाइजर व काढ़े का वितरण कर लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी, नेता सदन योगेश वर्मा, निगम पार्षद अंजू जैन, मीडिया पैनलिस्ट शिवम छाबड़ा, नवरंग सिंह, अमित नागपाल सहित आरडब्ल्यूए एवं निगम के पदाधिकारी उपस्थित थे। आदेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। एरोबिक ड्रम कंपोस्ट प्लांट के जरिए हम वेस्ट टू वेल्थ की ओर आगे बढ़ सकेंगे। एक ओर इससे जहां प्रदूषण से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर खाद बनाकर बेचने से आमदनी भी होगी। संसाधनों और फंड के अभाव में भी नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। यहां तक कि अग्रिम मोर्चे पर खड़े होकर कोरोना महामारी की लड़ाई में भी नगर निगम ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है, जो सराहनीय व अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए के लोगों से प्रतिदिन निगम पार्षदों का सीधा संवाद होता है और निगम पार्षद भी लगातार उनकी समस्याओं से अवगत होते रहते हैं और उनका समाधान करते हैं। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली में आर्थिक संकट था, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च किए, ताकि जमीन पर काम किए बिना ही मुख्यमंत्री केजरीवाल विज्ञापन में ही चमकते रहें। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के फंड को जारी तो नहीं किया, लेकिन फिर भी नगर निगम ने अपनी ओर से दिल्ली के लोगों की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और राशन भी निरंतर बांट रहे हैं। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।